ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट टू को समझने के लिए पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पहले बेसिक सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, किसी को याद है 11 से डेफिनेशन तो सुना है, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन किसी को याद है? आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते थे। दो बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए 11th में, उन्हें अगर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन याद हो और कोई बताना चाहे तो बताओ। हाँ शांश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? यस मैम, दोज कंपाउंड्स विच डिसोसिएट और आयोनाइज इनटू आयंस इधर इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। बहुत परफेक्ट, बोलो गरिमा। आयुष बोलो। जो कंपाउंड की जगह आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए था शायद। थोड़ा सा लाउडली बोलो। मैम वो कंपाउंड केमिकल कंपाउंड की जगह आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए था कि आयोनिक कंपाउंड दैट डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन आइदर मोल्टिंग और मेल्टिंग और इन एक्वस स्टेट। एक्चुअली में कोवलेंट कंपाउंड में भी अगर पोलैरिटी होगी तो आयंस बनते हैं ना, एसिटिक एसिड याद करिए। यस मैम, लेकिन वो तो वीक में आ जाएगा ना आयोनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट तो कॉमन ही है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों। यस मैम, यस मैम। इलेक्ट्रोलाइट में तो दोनों ही जाएंगे ना, तो कंपाउंड्स आयोनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन द सब्सटेंसेस विच आइदर इन सब्सटेंसेस, लिख दीजिए आप द सब्सटेंसेस विच आइदर इन मोल्टन स्टेट द सब्सटेंसेस विच आइदर इन molten state or in aqueous state which either in molten state or in aqueous state. Why aqueous state is written? Because dissolve kar rahe water ke andar, dissolving in water. आप कहें मैम वाटर ही लिखना जरूरी है क्या, कुछ और नहीं लिख सकते क्या? तो लिख सकते हो आप, इसकी जगह लिख सकते हो एनी सॉल्वेंट हैविंग हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, आप ये भी लिख सकते हो। कोई भी सॉल्वेंट चलेगा जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? किसी भी सॉल्वेंट की कितनी डिसॉल्व करने की ताकत है उसका मेजरमेंट करता है। तो नए स्टूडेंट्स को ध्यान दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए ऊपर रेड लाइन के ऊपर लिख लो अलग से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेल्स अबाउट डिसोल्यूशन पावर, डिसोल्यूशन पावर ऑफ अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट की डिसॉल्व करने की कितनी ताकत है अपने अंदर कंपाउंड्स को, उसका मेजरमेंट करने के लिए केमिस्ट्री में काम में लिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत बार मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कोई बैट्समैन कितना अच्छा बैट्समैन है रन देखे जाते हैं, क्लास में बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्क्स देखे जाते हैं। उसी तरह से कोई सॉल्वेंट कितना अच्छा अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है उसको मेजरमेंट करना हो तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देखा जाता है। एंड इट इज मैक्सिमम फॉर वॉटर,
it is maximum for water, that is 80. That's why water is universal solvent. ऐसा कहा जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व अगर कोई कर पाता है तो वो है वॉटर. तो ये रेड लाइन के ऊपर अलग से लिख लेना. तो बिकॉज हमें एक ऐसे सॉल्वेंट की जरूरत थी जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है और वो किसका ज्यादा होता है वॉटर का, इसलिए जनरली हम एक्वस ही लिख देते हैं. मतलब जनरली हम उस सॉल्वेंट को वॉटर ही लिख देते हैं, लेकिन आप डेफिनेशन में ये पार्ट भी लिख सकते हैं. आप इसे भी सब्सटीट्यूट करोगे तो ले देखिए वॉटर ही आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वॉटर का ही होता है. ठीक है, पॉइंट नोट कर लें. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टेल्स अबाउट डिसोल्यूशन पावर ऑफ अ सॉल्वेंट. इट इज मैक्सिमम फॉर वॉटर, दैट इज 80. दैट्स व्हाई वॉटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हटा दीजिए. ठीक है, एक सिंपल शब्द में कहूं मैं तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, वो जिसको पिघलाओ या पानी में डालो वो आयंस में टूट जाता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. द सब्सटेंस व्हिच आइदर इन मोल्टन, मोल्टन स्टेट का एक और नाम लिख दो फ्यूज्ड स्टेट. द सब्सटेंस व्हिच आइदर इन मोल्टन और फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट, मतलब या तो पानी में डालो या किसी भी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में डालो, कॉमन कंटिन्यू कर दी आगे, डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस इनटू आयंस. क्या होगा, टूट जाएगा. टूटने के लिए दो वर्ड चलते हैं, अभी क्लियर करते हैं बिल्कुल कौन सा कहां काम में लिया जाता है. डिसोसिएट वर्ड और आयोनाइज वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे की जगह काम में आ सकते हैं, पर फिर भी एक शार्प बाउंड्री तो है, वो मैं बताती हूँ. इनटू आयंस, सो ड्यू टू फ्री आयंस, अगर आयंस फ्री, करंट कैन पास. सही है, करंट, इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें से करंट पास हो पाएगी. क्यों, क्योंकि उन्हें जब पिघलाया या पानी में डाला तो उन्होंने आयंस बना दिए, और आयंस अगर फ्री आ गए तो पक्का है उनमें से करंट पास हो सकती है, करंट कैन पास. एग्जांपल लेती हूं मैं, NaCl लिखिए. NaCl रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है. ठीक है, NaCl को मैंने हीट किया, हीटिंग ने सारे आयनिक बॉन्ड तोड़े और सारे आयंस को अलग अलग कर दिया, सारे कैटायन अलग हो गए, सारे एनायन अलग हो गए. ये स्टेट कहलाएगी फ्यूज्ड स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट. ठीक है, सॉलिड था, गर्म किया, सारे आयनिक बॉन्ड टूटे, कैटायन एनायन अलग अलग हो गया, फ्यूज्ड स्टेट. दूसरा लिखिए, NaCl सॉलिड था, NaCl को पानी में डाला, पानी में डालते ही पानी ने उसके सारे आयोनिक बॉन्ड तोड़ दिए, Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, इन साइमल्टेनियसली वाटर ने उसे चारों तरफ से सराउंड कर लिया, जिसके लिए अपन नीचे एक्वस को एज अ सबस्क्रिप्ट लिखते हैं. एक्वस लिखने का मतलब होता है वाटर से वो सराउंडेड है, और ये बन गया आपका एक्वस स्टेट. कोई और सॉल्वेंट ले रखा है तो आप इसे कह सकते हैं सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट, क्योंकि आपने सॉल्यूशन बना लिया है. और पानी को अगर सॉल्वेंट लिया जाता है तो ऐसे सॉल्यूशंस का नाम एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो आप एक्वस स्टेट भी कह सकते हैं. तो कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो या तो मेल्ट होके या फिर पानी में डाल के उसमें फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फ्री आयन प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें से करंट फ्लो हो पाएगी. ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये दो होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है, समझना. तो स्ट्रॉन्ग और वीक में से स्ट्रॉन्ग वाला तो डिसोसिएट होता है और वीक वाला जो होता है वो आयोनाइज होता है, इसलिए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट में मैंने दोनों वर्ड लिखे. तो अब क्वेश्चन उठता है कि इनका स्ट्रॉन्ग और वीक में क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया से किया जाए. तो जैसे आपकी क्लास होती है तो जनरल जो चलता है ट्रेंड, अपना
क्लास के जो टीचर्स होते हैं वो किस क्राइटेरिया से दिमाग में एक बना लेते हैं कि ये अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में और ये वीक है। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, मैं जनरल पूछ लू। मेरा तो ये मानना है कोई भी बच्चा कभी भी कुछ भी कमाल कर सकता है, ऐसा बनाना नहीं चाहिए कभी। लेकिन एक जनरल जो परसेप्शन बना लेते हैं टीचर कि ये स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, ये क्लास के वीक बच्चे हैं। एक क्लास में ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया जाता है, उस बेसिस को अगर आप सोच लें तो यहीं पर भी सोच लीजिए कि एक इलेक्ट्रोलाइट को कब स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, कब वीक, समझ रहे? एक बैट्समैन को कब स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, कब वीक। एक विकेट लेने वाला जो बंदा है उसको कब अच्छा कहा जाएगा, कब बुरा, इस हिसाब से सोचिए तो वो अपने आप स्ट्रांग और वीक आ जाएगा। निखिल बता। मैम मार्क्स के बेसिस पे, बस यहाँ पर तो एक ही चीज चलती है, मार्क्स ज्यादा है तो स्ट्रांग, कम है तो वीक। तो स्टूडेंट का काम ही था टेस्ट देना और मार्क्स लाना, तो वो काम अगर उसने अच्छा किया तो वो स्ट्रांग की लिस्ट में आ गया, वो काम उसने गलत किया तो वो वीक में आ गया। अब बताओ इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है? मैम डिसोसिएट होना। डिसोसिएट होना और क्या बनाना? आयंस बनाना। आयंस बनाना। अब अगर वो काम उसने अच्छे से किया है तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब जिसका डिसोसिएशन क्या होगा? मैम तेज होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो कंडक्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने में से जाने देगा। अच्छा वीक कौन हो जाएंगे? मैम जिनमें कम आयंस बनेंगे। कम डिसोसिएशन, कम आयंस, कम आयंस तो कंडक्टेंस भी कम। तो स्ट्रॉन्ग और वीक का क्लासिफिकेशन किसने किया? मैम आयंस के नंबर पे। आयंस का नंबर किससे बनता है, क्या होता है जिससे आयंस बनते हैं, क्या होता है जिससे आयंस बनते हैं? तुमने सही शुरू किया था अभी पीछे, क्या होने से आयंस बनते हैं? मैम कितना डिसोसिएट हुआ। कितना डिसोसिएट हुआ मतलब क्या वर्ड आ चुका है? हाउ इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन पावर। यस, और आपको 11 का टर्म याद नहीं आना है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना टूटा, किसी भी फील्ड में चले जाओ तुम उस फील्ड का काम अच्छा कर रहे हो। अब जैसे टीचिंग फील्ड में चले जाओ, केमिस्ट्री टीचिंग फील्ड में चले जाओ, केमिस्ट्री टीचिंग में आप अच्छे हो, बच्चों को कंसेप्ट बता सकते हो, स्ट्रॉन्ग टीचर, स्ट्रॉन्ग टीचिंग पावर, स्ट्रॉन्ग टीचिंग स्किल्स, नहीं करा पा रहे हो भी भाई फील्ड में ही करना क्या है वही तो देखा जाएगा। अब टीचर है तो उसे टीचिंग ही तो करनी है, उसी से देखा जाएगा। स्टूडेंट है तो उसको पेपर देके मार्क्स लाने, उसी से देखा जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है? इलेक्ट्रोलाइट का नाम आते ही समझ जाओ वो आ गए हैं जिनको टूटना है और आयन देने हैं, और आयन आते हैं उनमें से करंट फ्लो हो सकेगी, तो वो कितना टूटे, कितना टूटे, ये बढ़े। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द बेस, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर स्ट्रॉन्ग है तो, और वीक है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, बाकी इतना शार्प कोई नहीं चलता है, दोनों के लिए दोनों वर्ड्स यूजुअली टीचर्स काम में लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन का संबंध होता है अल्फा, तो इस बेसिस पर उन्हें स्ट्रांग और वीक डिक्लेयर किया जाएगा। दो पार्ट्स में जब एनसीईआरटी में ये सब गिवन नहीं है, होगा भी तो बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये सब इन्होंने 11th में आपको पढ़ा दिया था, मैं इसीलिए डिवीजन करा रही हूँ। अगर आपको स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्ड्स पर कमांड नहीं होगा तो ये जो सेकंड पार्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं इसमें आपको दिक्कत आएगी। स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन में बना रही हूँ, चेक कर लेना। चेक करिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डेफिनेशन मैंने बनाई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच आर
लार्जली डिसोसिएटेड आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिनकी लार्ज होगी तो ज्यादा आयंस आएंगे, ज्यादा आयंस आएंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा आएगी। अब मैंने ये दो वर्ड क्यों लिखे हैं, लिक्विड और सॉल्यूशन। अगर मोल्टन स्टेट में किसी चीज को लिया जाता है, मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट में, तो उसका लिक्विड बनेगा, और किसी चीज को डिसॉल्व किया जाएगा तो उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो अभी अपन ने कहा ना इलेक्ट्रोलाइट में दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, आप उसे मेल्ट भी कर सकते हो और आप उसे डिसॉल्व भी कर सकते हो। तो मेल्टिंग से बना हुआ है तो मोल्टन और फ्यूज्ड स्टेट तो लिक्विड होगा वो, और अगर डिसॉल्व कर रखा है तो सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना तुमने NaCl को गर्म किया तो NaCl ही लिक्विड फॉर्म में आएगा, और अगर तुमने NaCl को पानी में डाला है तो तुम्हें NaCl का सॉल्यूशन मिलेगा। पानी में डालोगे तो वो सॉल्वेंट हो गया, वो सॉल्यूट हो गया तो सॉल्यूशन बनेगा, और हीट करोगे तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने पे वो लिक्विड ही तो होगा ना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब इसकी तुम बना दो, रिवर्स कर दो, इसका सेकंड पॉइंट लिख दो, अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, मतलब 100% डिसोसिएशन वाला केस है। ये तुम्हें पॉइंट्स याद नहीं होंगे तो इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आएगी। अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 मतलब ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएटेड। ठीक है, इसका बना दो, आप खड़ा करिए, कौन बनाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का राशि? प्रवीण बोलो, प्रवीण। यस मैम। मैम इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर वीकली डिसोसिएटेड and form less conducting liquids or solutions which are weakly dissociated and forms jab kam dissociate honge to conduct ions kam, ions kam to conductance kam, and forms less conducting liquids or solutions, less conducting liquids or solutions. Second point, alpha is very 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 less than 1, कम से कम 3 या 4 बार आप लेस का साइन बनाए, इतना कम मतलब 0.01 पॉइंट जी, कहाँ 100% कहाँ 0.01 पॉइंट जी, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल लिख लो, एसिटिक एसिड, या मैं यूं लिखवा देती हूँ, जितने भी एसिड्स में COH ग्रुप है वो सारे वीक में जाते हैं। फॉर्मिक एसिड ले लो, एसिटिक ले लो, बेंजोइक ले लो, जिनमें COH आता है ना वो सारे वीक के अंदर आते हैं। ठीक है, अब तुम ले लो कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये तो एसिड में वीक रख लो तुम, है ना। बेस में तुम ले लो NH4OH, ZnOH whole twice, ध्यान रखना ये पूरा काम आने वाला टॉपिक सिखा रही हूँ, बहुत काम आएगा इसमें। कॉलराउश लॉ पढ़ना है हमें, उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही सारा चलेगा, तो जो जो काम आते हैं 12th में वो एग्जांपल दे रही हूँ। तो बेस में एक तो अमोनियम ले लो, ठीक है, एक ZN ले लो, एक FeOH whole twice ले लो, एक तुम बेराइटा ले लो BaOH whole twice, आयरन का दे दिया, जिंक का, बेरियम का। ठीक है, इतने में अपने कॉलराउश लॉ के क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर कोई अननोन आ जाए तो आप मुझसे पूछ लेना, मैम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। 11th में मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी स्ट्रॉन्ग और वीक की, इधर स्ट्रॉन्ग में आइए। स्ट्रॉन्ग में तीसरा पॉइंट एग्जांपल, पहले एसिड में HCl ले लो, HNO3 ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, बेस में NaOH ले लो, KOH ले लो, एंड सॉल्ट्स जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को छोड़कर जितने भी सॉल्ट्स केमिस्ट्री में होते हैं वो सारे किसमें जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतने पार्ट तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये वो पार्ट है जो मुझे 11th का आपको बताना था। अब मैं 12th स्टार्ट करूंगी, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। एक पॉइंट और सिखाती हूँ, तुमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, NaCl सॉलिड था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है ना ये,
सॉल्ट, सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं. सॉल्ट को पहचानते हो ना, NaCl में एक तो एसिड है HCl, Cl N की जगह H लगा और एक बेस है NaOH, तो ये पानी निकल के बना है. एसिड और बेस से जो बनते हैं वो सॉल्ट होते हैं. अगर आपने इसे वाटर में डाला और ये स्ट्रॉन्ग है तो वन साइडेड एरो आता है, वन साइडेड एरो मतलब ये पूरा टूट जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है. तो Na प्लस और Cl माइनस एक्वस आ गया. इसे तो कहते हैं डिसोसिएट होना, इसे कहते हैं डिसोसिएट होना. और यही तो एसिटिक एसिड ले लो CH3COOH, इसका स्ट्रक्चर है. कितने बच्चे देख पा रहे हैं इसमें कोई आयन नहीं है, ये कोवलेंट है. ये देखिए ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है. अब OH में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस था, शेयर पेयर होने लिया, एच को कुछ नहीं मिला तो वो प्लस बन के निकल सकता है वाटर में डालने पर बिकॉज ये वीक है तो इसमें आयन्स में टूटने की नेचर नहीं है, वो तो पोलैरिटी डेवलप हुई इसलिए हो गया. तो ये कम टूटना चाहता है, इस बात को केमिस्ट्री के पास समझाने का यही तो तरीका होता है. बताइए ये साइन ही तो बताएगा कि ये यहाँ चला गया पर वो वापस यहाँ आ जाएंगे. कुल मिलाकर वहां जाना बहुत कम होगा और आयन्स बनेंगे CH3CO- और H+. इस फिनोमिना का नाम है आयोनाइज होना. रियल बात करी जाए तो, रियल बात करी जाए तो ये मीनिंग होते हैं. अब बाकी तो आप दोनों की जगह दोनों काम में ले सकते हैं. ये देखिए इसको अलग से बॉक्स में नोट करिए. कौन बताएगा ये वर्ड्स कैसे आए? अब तो तुम सॉलिड स्टेट पढ़कर आए हो तो तुम और अच्छे से बता सकते हो. NaCl स्ट्रॉन्ग वाले डिसोसिएट क्यों हुए और वीक वाले आयोनाइज हुए? तो ये जो टर्म्स जिसने भी बनाई है बंदे ने क्या सोच के उसने ये बनाई है बताइए. एक का डिसोसिएशन लिखा है, एक का आयोनाइजेशन क्यों है, सोचिए. कोई भी नहीं बताओ आयुष. मैम इसका एक ये हो सकता है कि क्या मतलब जो कि NaCl जो कि लैटाइस बनाता है वो अपने कॉन्सिक्यूटिव मतलब पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है इरिवर्सिबली. और आयोनाइजेशन का ये हो सकता है कि क्या मतलब जो भी अपन वीक एसिड या फिर बेस ले रहे हैं वो रिवर्सिबली आयोनाइज नहीं ये तो आया नहीं अश्विनी बोलो. मैम डिसोसिएट का तो ये होगा कि NaCl को अगर मैंने पानी में डाला तो Na प्लस और Cl माइनस एकदम ही अलग हो गए, पहले जुड़े हुए थे और फिर अब एकदम अलग हो गए इसलिए डिसोसिएट हो गए. आयनाइज का नहीं है मैम. आप लोगों को हमेशा मालूम है कि एशियन वर्ड जब भी लगता है तो वो फिनोमिना का नाम होता है, जैसे हाइड्रेशन. हाइड्रेशन तो आप जानते हैं हाइड्रा पानी का एडिशन, जैसे मैंने कहा क्लोरीनेशन. आप लोग जानते हैं अच्छे से, जैसे आपको कहा ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना, उसी तरह से निकालिए ना इसका मीनिंग आयोनाइजेशन. अपने आप देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, पता चल जाएगा आयोनाइजेशन एशन फिनोमिना से बना लीजिए तुरंत आ जाएगा पकड़ में. और क्यों मैम ने सॉलिड स्टेट का नाम लिया वो भी समझ में आ जाएगा. सोचिए बोलो. मैम पहले आयंस नहीं बने थे उसके बाद वो कंपाउंड्स आयंस फॉर्म कर रहे हैं इसलिए आयनाइज लगा है. सेकंड में हाँ. देखिए ये कोवलेंट था, देखिए यहाँ कोई आयन नहीं है कोवलेंट है और ये देखिए यहाँ पर आयंस बन गए तो आयंस का फॉर्मेशन होता है. यही कंपाउंड श्लोक के सारे आंसर रहेंगे. यहाँ पर जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला जाता है तो आयंस बनना स्टार्ट होते हैं, आयंस की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस फिनोमिना का नाम क्या रखा? आयनाइजेशन. अब तुम बताओ सॉलिड स्टेट में तुम NaCl का क्या स्ट्रक्चर बनकर आए हो? मैम FCC कोऑर्डिनेशन नंबर से बता दो. 1 Na प्लस 6 Cl माइनस से सराउंड 6 Cl माइनस NaCl माइनस 6 Na प्लस
मुझे बता दो, जब तुमने इसे पानी में डाला तो तुमने आयंस प्रोड्यूस किए क्या? है आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट थे मैम, आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये तुम सॉलिड स्टेट में सीख कर आए हो, आयोनिक कंपाउंड आयन से ऑलरेडी बना हुआ है, पहले ही उसमें Na+ और Cl आयन थे, जब आपने पानी में डाला तो सिर्फ क्या हुआ? बस वो अलग अलग हो गए, पहले साथ में थे अब एकदम अलग, ओनली टूटा है, ओनली जो आयंस थे वो अलग अलग हुए हैं, लेकिन वीक में आयंस, वीक में तो आयंस थे ही नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड था और बने हैं, है ना? ये जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ इसी पे मेरे आगे के सारे आंसर आएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए अब 12 से हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये पार्ट भी 12 का ही है, वो तो 11 में बेस होता है, मैंने आपको पहले कहा 11 में एक कंटिन्यू जर्नी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलरेडी मेड अप ऑफ आयंस, ऑलरेडी मेड अप ऑफ आयंस on dissolving in water, on dissolving in water or on heating, ions just separate out, ions are alag hue hain, right? Number two, weak electrolyte are not having ions, weak hai isliye wo are not having ions when added in water, isme molten wala mat likh dena, molten se kabhi aise nahi hoga, when added in water kya hua, ions banna start ho gaye hain, strong mein pehle se ions sirf alag hue hain aur weak mein ions nahi the aur ions banna start hue hain, ye bahut bada difference hai, यहीं से ये 12 का इलेक्ट्रो का पार्ट टू आपका हो। डिसोसिएशन का मतलब क्लियर, आयनाइजेशन का मतलब क्लियर, स्ट्रॉन्ग के लिए डिसोसिएशन आता है क्लियर, वीक के लिए आयनाइजेशन आता है क्लियर, यहाँ ऑलरेडी आयंस होते हैं क्लियर, यहाँ आयंस बनते हैं, इतनी बात हम लेकर चल रहे हैं, अब आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछ लें, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछ ले, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट टू की रिटर्न प्रैक्टिस मुझे डेली चाहिएगी। हाँ बिल्कुल डेली चाहिएगी, आज तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कल आपका टेस्ट है, कल आप मुझे दीजिएगा, कल की भी और आज की, ठीक है? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताए, अखिल कोई कंफ्यूजन? अखिल कितने मार्क्स आए? हम 90। क्यों? हम गलतियां हुई मैम इस बार भी, हम कुछ तो छोड़ दिए मैम, हम 4-5 तो छोड़ ही दिए थे। क्यों? मैं पार्ट नहीं पढ़ पाए होंगे जेई नीट वाला। यस मैम, जेई नीट वाले एक्स्ट्रा नोट्स लर्न करिए आप बच्चों, ब्रैग्स इक्वेशन सबके क्वेश्चन आते हैं, और जो जेई एडवांस देना चाहते हैं उनके लिए भी सॉलिड स्टेट कंप्लीट है आपका, बस इसी में टफ क्वेश्चन आते हैं अब जो मैं कल दूंगी, और वो क्वेश्चन जेई मेंस के हैं 2020 के, अभी आए हुए, लेकिन बहुत टफ थे क्वेश्चन, टफ बनाए मुझे, ठीक है? और किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अक्षिता जैन कोई डाउट बेटा? नो मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। कितने नंबर आए कल? मैम 135 है। कितने गलत हुए? मैम 5। 5 गलत कर दिए? हाँ। चलो जेई वाले नोट्स नहीं पढ़ पाए होंगे ना, सारे ट्रू फॉल्स उन्हीं में से थे, अब पढ़ लेना आज, ठीक है? चलूं फिर मैं आगे, देखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या पढ़ाने वाली हूँ यहाँ, पहले लिखते हूँ सारे, आप लिखना, कंडक्टेंस पढ़ाऊंगी, रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगी, कंडक्टिविटी जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, और फिर रेजिस्टिविटी जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसके बाद मोलर कंडक्टेंस, उसके बाद बुक में नहीं है, कंपटीशन में आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
वो भी अपन मतलब इसके भी जरिए एक्स्ट्रा टॉपिक लेंगे तो पढ़ा दूंगी एक दिन अलग, अभी बोर्ड का रजिस्टर है इसमें ये नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है सेल कॉन्स्टेंट, ये टर्म्स को। तो कितने बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो हमने नाइन टेंथ में भी पढ़े थे, बताइए रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ओम्स लॉ एंड ऑल की हमने नाइन टेंथ में भी पढ़े हैं, तो आप हमें दोबारा ट्वेल्थ के सिलेबस में ये क्यों ऐड किया गया है, हम पढ़ चुके हैं। बोलिए अच्छे पढ़ चुके हो? यस मैम। रेजिस्टेंस कैपिटल आर? यस मैम। कंडक्टेंस कैपिटल सी? आपके बुक में 12th एनसीईआरटी में जी काम में लिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल जो आप 9th 10th में पढ़ते हैं, रो स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप अभी पढ़ेंगे कप्पा, कप्पा के नहीं बनाना, के तो कांस्टेंट है, कप्पा ऐसे घुमा के लगे कप्पा, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आप बताएंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस? मैम रेजिस्टेंस मतलब मैम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कोई मतलब ब्रेक होना, मतलब बीच में मतलब किसी में से करंट फ्लो हो रही है तो कितना उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। यस मैम। हम और बात करते हैं, लक्षित बताएं। मैम वही है कि मतलब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या फिर किसी मटेरियल में से, तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी रुक रही है और कितनी पास जो रुक रही है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, और जितनी उसमें से गो थ्रू हो पा रही है वो उसकी कंडक्टिविटी। तो ये तो बच्चों को आता है, तो फिर मैं ट्वेल्थ में दोबारा आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? आपने नाइन टेंथ में ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है तो ट्वेल्थ में ये केमिस्ट्री में रिपीट क्यों किया गया? सुनिए, कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक जिनमें कंडक्टेंस होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक वो जिनमें कंडक्टेंस होती है फ्री आयंस की वजह से। जो तुमने नाइन टेंथ में पढ़े हैं वो ये वाले पढ़े हैं। आप याद करिए, आपको जब भी टीचर्स ने पढ़ाया होगा आपको कोई मेटालिक वायर लेकर उसी तरह से समझाया होगा, ओम्स लॉ में जब आपने पढ़ा होगा लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फटाफट मुझे याद करके बताइए उसमें वायर आया था नहीं आया था, एक वायर की लेंथ है एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक बार मुझे बताइए आपके डेफिनेशन में लगातार वायर मेटालिक वायर ये वर्ड चलते थे क्या निखिल? यस मैम चलते थे, है ना, वायर के लिए पढ़ा जाता था। Yes, मतलब आप लोगों ने जो सारे रूल्स जो सारी डेफिनेशंस जो सारे लॉज 9 10th में फिजिक्स में मेटालिक कंडक्टर के लिए पढ़े हैं, आज वही सारे टर्म्स लेकर मैं आपके सामने हूँ फ्री आयंस में जिनकी वजह से कंडक्टेंस होती है उनके अंदर। और वो कौन होते हैं जिनमें फ्री आयंस आते हैं? अभी भी पढ़ाकर आई हूँ तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो डेफिनेशन तुम मेटालिक वायर के लिए करते थे आज तुम्हें उन सारी डेफिनेशंस को इलेक्ट्रोलाइट के लिए शिफ्ट करना, डेफिनेशन वही है पर नो डाउट यहाँ पर वायर की लेंथ है, अब यहाँ किसकी लेंथ होगी, क्या सोडियम क्लोराइड की लेंथ होगी, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का था यहाँ किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये सारे सोचने के पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्लियर करें कि ये सारी टर्म्स दोनों कंडक्टर के लिए होती है, छोटी क्लास में हमें मेटालिक के लिए पढ़ाया जाता है और अब हम ये पढ़ने वाले हैं आयंस के लिए। तो सब लोग सीख लो कि जब भी तुम आयंस वाला कंडक्टेंस काम में लोगे तो तुम्हारा सेटअप क्या होगा, वायर तो खुद जाकर सर्किट में लग जाएगा, हो जाएगा सर्किट कंप्लीट, कंडक्टेंस हो जाएगी, लेकिन NaCl को थोड़ी ना तुम सर्किट में लगा दोगे, तो NaCl को पहले किसी सेल में फिल किया जाएगा। अच्छा NaCl को भी कैसे फिल कर दोगे, वो तो सॉलिड होता है तो या तो तुम उसे मोल्टन स्टेट में लाओगे या तो उसे एक्वस स्टेट में लाओगे, है ना, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप या तो पिघलाओगे या उसे पानी में डिसॉल्व करके उसको एक फेज दोगे लिक्विड फेज एक्वस फेज, फिर उसे आप इस सेल में भर दोगे, जिस सेल में आप उसे भरने वाले हो उसका नाम है कंडक्टिविटी सेल, क्योंकि सारा काम हम इसी से करेंगे ये सारी डिटेल्स, तो इसका नाम है कंडक्टिविटी सेल। और अगर ये सेल है तो पक्का है इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, है ना, एक इलेक्ट्रोड आपका एनोड है और एक इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है, दो इलेक्ट्रोड होंगे, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं ऊपर टर्मिनल्स लगा दो, ये होते हैं प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब प्लैटिनम के रॉड्स हैं और ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की और कोटिंग,
फाइनली डिवाइडेड चीज की कोटिंग करने से सबके से क्या बढ़ जाता है, तो काम ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखो, जो डिस्टेंस जो एल और ए में एल लेंथ ऑफ वायर होता है फिजिक्स में, यहाँ पर एल का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की लेंथ कैसे कर दोगे, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड है उसकी लेंथ नहीं, जिस सेल में आपने सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट को डाला है जिसकी कंडक्टेंस की बात चल रही है क्योंकि वो टूट चुका है Na और Cl आयंस में, तो उसके जो आयंस यहाँ बन चुके हैं जो कंडक्टेंस का कारण होंगे, उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड डिप्ड है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे एल कहा जाता है, और दोनों इलेक्ट्रोड्स का ही निकाला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दोनों का सेम। बात आई समझ में, किस कंडक्टर से किस कंडक्टर पर शिफ्टिंग हुई है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें आयन्स होते हैं, ये कम काम में लिया जाता है ये ज्यादा, कारण कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो उन्हें पिघलाने में बहुत हीट चाहिए, तो और पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इजिली अवेलेबल है, चीप है, तो हम पानी वाला रास्ता ही चुनेंगे ना, तो हीटिंग वाला कम काम में लेते हैं, एक्वस वाला ही ज्यादा। तो आप किसकी कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की, किसका रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए चलता है, तो जिस इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है उसे कंडक्टिविटी सेल में डालना है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की दूरी एल होती है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा और ये सोल्यूशन में भरा हुआ है, और हमें जो भी डिस्कशन करना है कंडक्टेंस का वो इन दोनों के बीच में ही करना, मतलब इनके बीच में जितना सोल्यूशन आएगा उसी का हमें कंडक्टेंस का सारा डिस्कशन करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखिए रेजिस्टेंस, सारी डेफिनेशंस आप दे दीजिए, बस सॉल्यूशन वर्ड ले आना वायर की जगह, ठीक है, वायर की जगह सॉल्यूशन वर्ड ले आना, पता करिए रेजिस्टेंस, देखिए ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, आगे सब कुछ आयन मूव करेंगे पहली बार, और रेजिस्टेंस कौन देगा, सॉल्यूशन, the hindrance or obstruction provided by the solution in the passage of current bhi likh sakte ho, in the passage of current kyunki current koi kiski wajah se nahi hai, ions se movement ki wajah se, resistance ka symbol yahi likh do capital r, unit sab log jante hain ohm, theek hai symbol sab jante hain iska, अच्छे न्यूमेरिकल है इसके तो सिंपल होते हैं आराम से हो जाए। नंबर टू कंडक्टेंस, कितनी आसानी से उसमें से करंट फ्लो हो पा रही है, द ईज, कितनी आसानी से, और कौन दे रहा है सॉल्यूशन, द इज प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन किसमें, इन द पैसेज ऑफ करंट, सॉल्यूशन अपने में से कितना आसानी से आयंस को फ्लो करने दे रहा है वो उसकी कंडक्टेंस है, और सॉल्यूशन कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, द इज प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन द पैसेज ऑफ, सभी जानते हैं सिंबल कैपिटल सी है पर एनसीईआरटी में कैपिटल जी, एक बार और चेक कर लेना एनसीईआरटी में कैपिटल जी चेक कर लेना, बाकी सी तो होता ही है हम सभी जानते हैं, सभी जान पा रहे हैं कि कंडक्टेंस कितनी आसानी से और रेजिस्टेंस कितनी प्रॉब्लम, इनवर्स ऑफ, ठीक है, तो जी इक्वल्स टू 1/r आ गया, तो जी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो इसकी यूनिट क्या हुई ओम इनवर्स, या फिर जो सिंबल लिखते हो उस पे इनवर्स लगा दो, या फिर ओम इनवर्स की लिख दो, ओम इनवर्स ना करके ओम को इनवर्स ही लिख दो, मतलब मोर, ओम इनवर्स कर दो,
MHO more ये भी ठीक है. कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इनवर्स है. एक है कितना आसानी से होने दे रहा है, रही थे कितनी प्रॉब्लम है मैंने नोट कर लीजिए. ठीक है. नंबर थ्री स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी किसको याद है? रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली? रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली? यश मैम रेजिस्टेंस तो मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट के होते हैं और इनवर्सली वोल्टेज के. वापस बोलना मैम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट के होता है आई, और इनवर्सली होता है वोल्टेज के. यस मैम. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लाना है ना मुझे तो रो. चलो अक्षर. अच्छा ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल एंड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ऑफ क्रॉस सेक्शन. दर्शन मैम रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. और अभी आप जानते हैं एल क्या है. डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. सही है. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब आप जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है, ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स. दोनों का सेम होता है. यहां से वन और टू को ऐड कर दीजिए, मतलब फ्रॉम वन एंड टू. आई एम सॉरी, फ्रॉम वन एंड टू. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. ठीक है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया रो एल बाय. ये रो इंट्रोड्यूस हो चुका है और रो होता है आपका स्पेसिफिक. कोई फॉर्मूला है बस ये है. ठीक है. अब आप इसे रो के लिए बना लीजिए और कोई भी यूनिट निकलवा लीजिए. रो के लिए बना लीजिए क्या आ जाएगा. धीरा रो ऊपर एल है, नीचे ए है, चार क्रॉस में आर है. इस फॉर्मूले को रो के लिए बदल दो और रो के लिए बदल के मुझे यूनिट निकलना. और बच्चों बाकी बच्चों को हाथ खड़ा कर लीजिए. एक एक बार जिन्होंने दे दिया है. अमनदीप तो तुम्हारे लिए तो इजी है बहुत. बाकी बच्चे हाथ खड़ा करिए और जो आंसर कम दे रहे हैं. साक्षी चलो हटा लिया. अर्चित बताओ. मैम रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल. यूनिट निकलना रो. आपकी यूनिट ऊपर लिखी रही है देखो. ओम है ना. ओम मीटर स्क्वायर अपॉन नहीं ओम मीटर. ओम मीटर एक ही करते हैं ना. ए क्रॉस सेक्शन की यूनिट मैम मीटर स्क्वायर होती है. क्रॉस सेक्शन
सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली है ना सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर है ठीक है सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर गरिमा चेक कर लो सही हो गया ये फॉर्मूला सही आ गया यस मैम यूनिट सही आ गई मैम एसआई यूनिट में मीटर में होनी चाहिए लेंथ एंड है बेटा मैम एसआई यूनिट है तो सेंटीमीटर की जगह मीटर में होना चाहिए एसआई यूनिट में ओम किस यूनिट में होता है मैम एसआई यूनिट अमनदीप अब बताओ तुम अमनदीप ओम के साथ मैंने सेंटीमीटर लिखा हुआ है पूरी एनसीईआरटी ने ओम के साथ सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है अमनदीप यस मैम सेंटीमीटर ही होगा सेंटीमीटर ही होगा सेंटीमीटर ही होगा क्यों मैम क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स तो बहुत कम होगी ना डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड तो बहुत कम होगी ना आप कुछ सोचिए एक कंडक्टिविटी सेल है उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स और उनके बीच ये कोई वायर थोड़ी ना है ना इसलिए कौन सी लेंथ की यूनिट डालनी होगी मैं ठीक है तीसरी टर्म हो गई फोर्थ टर्म पर आ जाते हैं स्पेसिफिक अच्छा हाँ रुकिए रुकिए रो के डेफिनेशन तो बनाए यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ रो कौन बताएगा डेफिनेशन ऑफ रो रो को आप कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ से करना इससे मत करना यूनिट निकालना हमेशा ध्यान रखना जहाँ कॉन्स्टेंट की एंट्री होती है हमेशा कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन वहां से निकलती है यहाँ से निकलती कौन बताए कौन बना सकता है डेफिनेशन रो के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए और बच्चे ट्राई करें एक क्लास में एक एक बार को कम से कम सब आंसर हो लिख दिया मैंने बाकी हो ही गया है तो डेफिनेशन निकालनी है अपने को अच्छा चलो तुमने सॉल्यूशन चैप्टर का कौन बताएगा सॉल्यूशन में डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इनटू मोडालिटी का के एफ की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अगर तुम्हें के एफ की डेफिनेशन बनानी आती है तो आज क्या दिक्कत है मुझे वही तो चीज पहले इसकी डेफिनेशन बनानी थी तो इसके लिए क्या किया था सोचो अब आज इसकी डेफिनेशन बनानी है तो इनका क्या करना है सोचो क्या बताया था तुमने याद करो डेफिनेशन के समय क्या कहा था कि पूरा सिस्टम को डिफाइन करते हुए चलना है ऐसा नहीं कि बस मेन मेन चीजों को बोल दिया बताइए ट्राई करिए सब लोग सोल्यूशन तो पढ़ा है सबने दो टेस्ट भी दिए हैं बताइए अक्षर राठी बोलो मैम रो इज द मैम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वन मोलर सॉल्यूशन इज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज एडेड इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट है ना मैंने कहा था ना कि यू नीड कि आप कह दो के एफ डेल टी एफ हो गया जब एम वन एम वन को भी खोलना है सिस्टम बनाना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है ऐसे अब इसके लिए बताओ बोलो मैम रो इज द obstruction caused in the movement of ions in one centimeter नहीं बैठेगा सेटअप बनाना पड़ेगा ये सेटअप बनाओ पहले दिमाग में ये सेटअप जब तक तुम ये सेटअप नहीं बनाओगे दिमाग में तब तक डेफिनेशन बैठेगी नहीं ये सेटअप बनाओ सोचो क्या था कहाँ डाला क्या था वहां पे फिर ये सारी कहानी सोचोगे ना तो डेफिनेशन आएगी बोलो साक्षी मैम इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्लाइड व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज वन मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन मीटर स्क्वायर वायर यही पर हो तुम मैम जब लेंथ यस मैम वायर तो हटा दिया ना वायर तो 9-10 में फिजिक्स में था अभी तो सॉल्यूशन पढ़ा रही हूँ इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस का नाम एल है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है
वायर कहाँ से आ गया? यस मैम, मैम जब लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. नहीं, सबसे पहले तो आप सबके लिए मैं लिख देती हूँ, जब भी किसी कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाते हैं तो उसके इधर वालों को बंद कर देते हैं. जब ये दोनों वन वन हो जाएंगे तो वो आर हो जाएगा. वो के लिए डेफिनेशन वो आर है जब ये बने और ये बने. अब इसकी सेटअप बनाओ, कुछ ऐसा बोलो कि सेटअप पकड़ में आए कि सेटअप क्या है. बोलिए मैम. रो इज द रेजिस्टेंस व्हेन व्हेन इलेक्ट्रोड ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर प्लेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट. फिर इसमें हम रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे. दैट इज रो इज द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोड ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, बहुत बढ़िया. राशि. यस मैम. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर. सेटअप बनाओ बच्चों, सेटअप बनाओ. पहले तुम सोचो क्या था, फिर क्या डाला, फिर क्या हुआ. उसके बिना तुम्हारा बैठेगा ही नहीं डेफिनेशन. गरिमा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is resistance when ratio of distance between two electrode and area of cross section. बिल्कुल नहीं, रेशियो तो बोलते ही नहीं, जितने भी होते हैं उन सबको अलग अलग वन बोला जाता है. बोलो मैम. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सॉल्यूशन इन द मूवमेंट ऑफ आयंस व्हेन इलेक्ट्रोड्स ऑफ यूनिट स्क्वायर एरिया यूनिट स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया आर प्रेजेंट एट यूनिट यूनिट लेंथ. काफी सही है. आर्या बोलो. मैम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस प्रोवाइडेड. रेजिस्टेंस वर्ड को आने दीजिए बच्चों. रेजिस्टेंस ही आएगा, रो इज आर, तो आर रेजिस्टेंस ही वर्ड आएगा. रेजिस्टेंस का मीनिंग नहीं आएगा, रेजिस्टेंस ही आएगा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस, तभी तो स्पेसिफिक वर्ड आता है ना, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस है लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन, जब एल वन है और ए वन है तो ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन का, पर्टिकुलर सिचुएशन का, इसीलिए तो स्पेसिफिक वर्ड आता है. तो रेजिस्टेंस को आना जरूरी है. इफ यू राइट स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आपको लिखना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस जब ऐसा ऐसा था, तो ये तो लिखना जरूरी होता है वर्ड. बोलिए. It is the resistance provided by the solution in the movement of ions when when the two electrodes are of area a centimeter square placed at length 1 centimeter. कहाँ? In the conductivity cell. वही तो, वो setting ही तो बिठानी है, वो setting नहीं बिठा रहे हो आप लोग. काफी सही हो गया है पहले से. बोलिए. Mam, specific resistance is the characteristic resistance of an electrolyte when electrodes of electrodes having area of cross section 1 centimeter square are placed 1 centimeter apart from each other in it. Word की importance है उसके अंदर. अब देखिए मैंने इस in it को थोड़ा सा change करके कैसे लिखा है. Specific resistance is the resistance offered. किसने दिया? बाय अ सॉल्यूशन. कैसा? हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स. उस सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं. हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट. हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर. बात आ रही समझ में? ऑफर कौन कर रहा है? सॉल्यूशन कर रहा है. कैसा सोल्यूशन? जिसमें रखे हुए हैं क्या दो इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और जिनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए सेटअप बनाना, ये नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस व्हेन एल वन और एल कौन, एल भी चलो तुमने बता दिया दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस. कहाँ है वो दो इलेक्ट्रोड? वो उसी में गिफ्ट है. कौन से वो दो इलेक्ट्रोड है? उसी में गिफ्ट का एरिया है. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस सबसे पहली बात ऑफर्ड बाय अ सोल्यूशन जिसमें है कौन दो इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर अपार्ट
having cross section area by centimeters. कभी भी डेफिनेशन बनाओ तो सेटअप बना के बनती है, ये नहीं कि आप बस उसकी पैरामीटर्स को वन वन कर दो उसको उसके बराबर कर दो सेटअप. अब पूरा सेटअप बन गया ना, एक सोल्यूशन है जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, उनका एरिया इतना है, उनकी दूरी इतनी है, उस सोल्यूशन ने जो रेजिस्टेंस दिया उनके वन वन होने पर उसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कप्पा घुमा के लिखे एनसीईआरटी में देख लेना, क्या पता के ही लिखा हुआ पर जो ओरिजिनल है वो बता दू मैं. कप्पा और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा और कंडक्टिविटी. ठीक है, एस सी जिसको मैंने जी लिखा था इट्स वन बाय आर. Similarly, जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स है, सिमिलरली कप्पा इक्वल्स टू वन बाय टू. रो ये रहा देखो आर ए बाय एन है ना, आर ए बाय एन. As rho is R A by L, so kappa one by rho और rho ये है तो उल्टा कर दो L upon R. Conductance resistance का inverse, उसी तरह से conductivity resistivity का inverse. Rho है R A by L तो kappa हो गया L upon. अब आप इससे एक नई टर्म सीखोगे मुझसे, एल अपॉन इनको इकट्ठा करो और इनटू में वन अपॉन आर. एल बाय ए वन हो गया और वन बाय आर. इस एल बाय ए के लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है सेल कॉन्स्टेंट. एल बाय ए के लिए, एल बाय ए के लिए एक नया टर्म बनाया गया है सेल कॉन्स्टेंट और अपॉन में क्या चल रहा है रेजिस्टेंस. सेल कॉन्स्टेंट का सिंबल एनसीईआरटी में लिखा है जी स्टार और रेजिस्टेंस आर जी. रो आर बाय एल था, कप्पा उसका इनवर्स था तो एल अपॉन आर हो गया. एल अपॉन ए को इकट्ठा ले लिया है इनटू वन बाय आर. एल बाय ए के लिए एक नया नाम है सेल कॉन्स्टेंट. एल बाय ए सेल कॉन्स्टेंट इनटू वन बाय आर जी स्टार. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहो तो यहां से बना सकते हो. और एल बाय ए हो गया आपका जी स्टार और वन अपॉन आर हो गया आपका कंडक्टेंस. वो तो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल तुम्हें क्या दे रहा है. कंडक्टेंस दे रहा है तो सी बना लेना वन अपॉन आर का. रेजिस्टेंस दे रहा है तो आर ही लिख लेना. एल और ए अलग अलग दे रहा है तो एल बाय ए लिख लेना. सेल कॉन्स्टेंट दे रहा है तो एल बाय ए को मिलाकर जी स्टार लिखना पड़ेगा. तो कभी जी स्टार अपॉन आर से करोगे, कभी जी स्टार इंटू सी से, कभी एल बाय ए इंटू वन बाय आर से करोगे, कभी एल बाय ए इंटू सी से. डिपेंड करता है कि वो आपको क्या दे रहा है. अगर वो आपको एल और ए दे रहा है तो सेल कॉन्स्टेंट अलग से निकाल के करने की जरूरत नहीं है, एल बाय ए वाला फॉर्मूला ही चलने देगा. यूनि की पहले आप एल बाय ए सेल कॉन्स्टेंट ये होता है वो निकाल दो, फिर आप स्ट्रिक्टली कर दो कि नहीं मुझे ये यूज करना है. कुछ नहीं, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है. आप ये यूज करिए, आप ये यूज करिए, आप ये यूज करिए या फिर आप ये यूज करिए, वो कोई इशू नहीं. कोई भी यूज करिए चाहिए, क्या गिवन है उस पर बेस्ड हो. ठीक है, अब दिमाग में आ रहा है कि सेल कॉन्स्टेंट क्या होती है तो मुझे बताओ कि मैंने कंडक्टिविटी सेल बनाई, मैंने कंडक्टिविटी सेल बनाई. सेल बनाने में क्या डालने पड़ते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स है ना, और दो इलेक्ट्रोड्स डाल के उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है मुझे कितना है और उनके बीच में डिस्टेंस और यहाँ पैक्ड कर दे. बस ऊपर से जो सॉल्यूशन बनना है वो बन लो. अब तुम्हें क्या लगता है कि रोज लैब में केमिस्ट्री या फिजिक्स की लैब में इनकी दूरी बदली जाती है? हाँ, सील पैक्ड की दूरी कैसे बदल दोगे? क्या रोज केमिस्ट्री लैब में इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला जाएगा? नो, एक बार सेल बन गई तो बन गई. अब जब तक ये सेल नहीं टूटेगी, जब तक ये सेल रहेगी, ये दूरी फिक्स रहेगी और एरिया फिक्स रहेगा. तो
दूरी भी फिक्स रहेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स रहेगा, तो दोनों वैल्यूज कॉन्स्टेंट है, इसलिए एल और ए को मिलाकर नाम क्या दे दिया, सेल कॉन्स्टेंट। आपकी बुक में दो डिजाइन दे रखी, नीचे होमवर्क में लिखी है टू डिजाइन ऑफ कंडक्टिविटी सेल, बुक में दो डिजाइन बनाना, बस एक ओपनिंग रखते हैं जहां से सोल्यूशन को बढ़ना है। बताओ वो तो रखेंगे ना, ये बनाने का मतलब तो आप 3D में समझ ही रहे ना कि ऊपर से डालेगा इसे। एक ओपनिंग रखेंगे जहां से उस इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता करनी है, वो सोल्यूशन बना जाएगा। बाकी सेटअप तो फिक्स है ना, बीकर बन चुका है, दो इलेक्ट्रोड लग चुके हैं, दूरी फिक्स है, एरिया फिक्स है और उन्हें सील्ड पैक्ड कर दिया जाता है, फिर जो सोल्यूशन भरना है भरो। तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है NaCl का वो भरो, तुम्हें KCl की कंडक्टेंस निकालनी है वो भरो, जो तुम्हारी मर्जी है वो उसमें भरो, है ना। तो एक सेल को जब बनाया जाता है तो इलेक्ट्रोड्स को सील पैक कर देते हैं, उनके डिस्टेंस उनका एरिया फिक्स हो चुका होता है, इसीलिए एल और ए दोनों कॉन्स्टेंट है। बनाने वालों ने एल बाई ए मिलाकर नाम बनाया है कि एल बाई ए को कहा जाता है सेल कॉन्स्टेंट। मैं तो इतना बता सकती हूँ कि एल भी कॉन्स्टेंट है और ए भी कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि सेल बनती है तो बन चुकी होती है, बार बार दूरी बढ़ाते घटाते नहीं है। अब मिलाकर एल बाय ए फ्रेम सेलेक्ट किया है और एल बाय ए का नाम चलता है सेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, दो डिजाइन है बुक में, वो आप बनाएंगे। बस लास्ट दो वर्क, एक तो कप्पा की यूनिट और एक कप्पा की डेफिनेशन, यहीं से बना लेते हैं। यूनिट ऑफ कप्पा और डेफिनेशन ऑफ कप्पा, कौन बताएगा? नहीं से बना लो, एल बाई ए इंटू वन बाय आर सी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ओम। ठीक है, क्या यूनिट आ गई? ओम ऊपर जाके पर ओम और एक से एक कटा ऊपर जाके पर सेंटीमीटर, या फिर पर ओम को उल्टा लिख दो मो, एम एच ओ मो पर सेंटीमीटर, या फिर ओम वाला सिंबल लगा दो पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा उससे भी बना सकते थे, रो की यूनिट याद थी ओम सेंटीमीटर और ये उसका इनवर्स था तो पर ओम पर सेंटीमीटर। अब डेफिनेशन बना लो, डेफिनेशन किससे बनाओगे? इससे नहीं बनेगी क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कंडक्टेंस का आना जरूरी है, तो कौन बताएगा इसका क्या फ्रेमिंग करें जिससे कप्पा की डेफिनेशन बन पाए? बताओ क्या फ्रेमिंग करूँ? फॉर्मूले की फ्रेमिंग तो कराओ पहले, फॉर्मूला क्या फ्रेम करूं जिससे कप्पा बनेगा, बोलो। L by A into C. हाँ, 1 by R का C, क्योंकि उस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या कहना पड़ेगा? कंडक्टेंस। हाँ, तो C का आना जरूरी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी एक समय का क्या है? रेजिस्टेंस, तो R का आना जरूरी है ना, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस में C को लाना है। ठीक है, डेफिनेशन बता दो आप, कौन बोलना चाह रहा है? स्नेहा बोलो। मैम, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 cm एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 cm². इलेक्ट्रोलाइट तो सॉलिड स्टेट में होता है, उसमें से करंट कभी पास ही नहीं होगी। इलेक्ट्रोलाइट तो सॉलिड है, उसमें से कैसे करोगी? आयुष बोलो। मैम, कंडक्टेंस offered by a solution having two electrode 1 cm apart possessing cross section of area 1 cm². बिल्कुल सही, same definition resistance वाली, बस conductance लगाना था, specific conductance कप्पा, यहाँ पे लिख दो कप्पा is C when L equals to 1, A equals to 1। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस किसका? ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग सेम वही, उधर से लिख लीजिए, टू इलेक्ट्रोड्स 1 cm अपार्ट ईच हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 cm², ईच हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 cm².
ठीक है, चार टर्म हो गए और पांचवी आपको बताई हुई सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार लिख दीजिए, एल बाय ए लिख दीजिए, यूनिट निकाल दीजिए, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज पर सेंटीमीटर। डेफिनेशन बना दो फिर सेल कॉन्स्टेंट की, एल बाय ए को डिफाइन कर दो, सेटअप लेते हुए कर, बिना सेटअप के मत बनाओ। ठीक है, बस अभी सीरीज में सिर्फ एक टर्म बच गई है, मोलर कंडक्टेंस, वो कल होगा मोलर कंडक्टेंस। अभी सेल कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन बना लो, कोई भी बनाओ और बच्चे भी ट्राई करो, डिफाइन सेल कॉन्स्टेंट। डिवाइड के लिए रेशियो वर्ड आता है ना, रेशियो, रेशियो। अभी केवल इनका नाम मत लिख देना, ये कहाँ है वो भी लिखना, ये कहाँ है वो भी लिखना, तभी बनेगा उसका इम्पोर्टेंस। राशि बोलो। यस मैम, सेल कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो। सेल कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सेल कांस्टेंट सेल का है, एक कंडक्टिविटी सेल सोल्यूशन का नहीं है, कंडक्टिविटी सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरी एल होती है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है। सेल कांस्टेंट इज द रेशियो, सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल, सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, क्योंकि सेल भी बहुत सारी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल होती है जिन्हें अपन वोल्टिक और गैल्वेनिक कहते हैं, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ेंगे, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गया आप फ्यूल सेल पढ़ेंगे, सेल भी बहुत तरह की होती है, तो सेल का नाम लिख दीजिए, इसी के लिए आता है वैसे, और किसी सेल का डिफाइन नहीं होता है। सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, मेन वर्ड तो आपको बता ही दिया ना कि ये सोल्यूशन का नहीं है, ये कंडक्टिविटी सेल का खुद का है। देव खुबानी ने हाथ खड़ा किया था, देव खुबानी, देव खुबानी बोलना चाह रहे हैं तो बोलो। मैम मेरा भी यही था मैम कि इट इज द रेशियो ऑफ द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड अपॉन द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ये लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं है, ये यहां से लेकिन यहां तक की लंबाई नहीं है, distance between the electrode. Yes, sorry ma'am, distance of the electrode. Distance between the electrode and area of cross section of the electrode. और फिर conductivity cell की बात हो गई, वो तो कि उसमें वो रखा जाता है solution जिसका हमें measurement लेना होता है। और बता दो जो भी सही है, ठीक है, आ गई है perfect definition, लिखिए definition, cell constant किसका, of a conductivity cell. Conductivity cell is ratio of, पहले ratio इसको बोल दिया, अब ऊपर वाले का नाम को, distance between two electrodes, two, फिर जो नीचे उसके लिए two लिखते हैं, two area of cross section of electrode. Distance between the two electrodes, two area of cross section of the two electrodes. Cell constant का भी एक लेक्चर होगा, आधा लेक्चर ले लेगा वो, कि cell constant फिर निकाला कैसे जाता है, उसके लिए फिर Wheatstone bridge method use करना पड़ेगा, वो भी शायद आप इंटर्न में पढ़ कर आते हो, Wheatstone bridge method, उसकी मदद से सिखाऊंगी फिर cell constant कैसे निकालते हैं, पहले हम लेवल टर्म सीखेंगे ताकि ये टर्म्स आपकी कंप्लीट हो जाए, है ना। अब एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, ये कर लेंगे न्यूमेरिकल, कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ
CH3COOH solution. एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, उसकी स्थापना पे कंडक्टेंस निकालना है. Having resistance, having resistivity 60 ohm and L 2 centimeter, A 1 centimeter square. Calculate specific conductance means conductivity. Conductivity is key. Acetic acid solution having resistivity 60 ohm. Length और ये तो आप जान ही चुके हैं, मैं बार बार पूरे लंबे वर्ड से लिखना चाहती. Distance इतना है और वो उतना है. बोलो मैम, इसमें resistivity का unit गलत है? रेजिस्टिविटी की यूनिट गलत है, या तो रेजिस्टेंस हो या. ठीक है, अब सुनिए, ये मैंने चीज आपको क्यों दी. सीबीएसई बोर्ड में जब भी इसका न्यूमेरिकल आता है तो बच्चों के लिए कंक्लूजन खड़ा कर दिया, जैसा कि अभी आपके बैच से आ भी गया कि मैम एक तरफ आप रेजिस्टिविटी लिख रहे हो और एक तरफ आप ओम लिख रहे हो, तो या तो आप रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस करो या फिर आप वहां पर ओम सेंटीमीटर करो. पर मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि बोर्ड में ही एज इट इज आया हुआ है. तो याद रखिए 11 12 क्लास हमेशा साइंस में यूनिट्स पर फेक किया जाता है, हमेशा साइंस में यूनिट्स पर फेक किया जाता है. यूनिट्स आर फेकफुल. अगर वर्ड आपका गलत चला जाए, वर्ड इज नॉट, टर्म इज नॉट. टर्म आपकी ऊपर नीचे हो सकती है पर यूनिट आपकी कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकती. रेजिस्टिविटी भी तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है ना, लेकिन अगर यूनिट ओम लगा दी जाए और टर्म रेजिस्टिविटी लिख दी जाए तो पढ़ना उसको रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि यूनिट्स आर मोर. बस यही समझाना था, बाकी तो सभी जानते हैं बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि अभी इतना पढ़ा ही नहीं अपन. नोट डाल लीजिए, व्हेनेवर टर्म and unit not match, then keep faith on unit. Unit जो कह रही है उसको वो मानना, unit ही believable होती है, उसी पर believe करना. तो ohm दे रखा है मतलब ही resistance दे रखा है, तो resistance दे रखा है 60 ohm, L given है और A given है. सबको मालूम है कप्पा का क्या formula लग जाएगा. बोलिए कप्पा इक्वल्स टू फॉर्मूला बोल दीजिए. अक्षिता मैम, एल अपॉन आर ए, एल अपॉन ए इनटू वन अपॉन आर, इसको ऐसे ही छोड़ के लिखते हैं. तो थोड़ा एल बाय ए क्या सेल्फ कांस्टेंट का इंप्रेशन दे देगा और वन बाय, ठीक है. वैल्यू एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 विद यूनिट बुक करना सेंटीमीटर, अगर सब्जेक्टिव टेस्ट है तो ए की, ए की 1 सेंटीमीटर की और आर की 16, ठीक है. उसके बाद आपको सिखा रखा है अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये सारा रफ वर्क यहाँ नहीं करना है, यही काटा पीसी जाम नहीं करनी है. यहाँ साइड में आप करिए पूरा अपना टू, ये तो जैसा सिंपल ही है, जो भी करते हैं कैलकुलेशन ऑफिस उसको काट दीजिए. हमेशा रफ वर्क ऐसे अलग से निकाल के काट देना है, फिर इसका आंसर निकाल देना और यूनिट लगा देना पर ओम पर सेंटीमीटर. एक ही चीज सिखानी थी इसमें मालिकों में, यूनिट्स आर फेथफुल नॉट द टर्म. तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में भी ये लोग ऐसे ही करते हैं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में भी यही करेंगे, आपको ध्यान रखना, ठीक है. बाकी तो सिंपल ही है, ठीक है. कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ लीजिए किसी को, मेरी तरफ से क्लास कंप्लीट.